वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ग्रेड ऑफ सीमेंट की, कि क्या क्या ग्रेड होते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है। सिर्फ मैं आपका आज वीडियो लेक्चर नहीं है, ये एक्चुअली मैं आपको मैं रियल एप्लीकेशन बताने वाला हूँ कि कहाँ हमको 33 ग्रेड यूज करना है, 43 ग्रेड यूज करना है और 53 ग्रेड यूज करना है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छा कोट जो मैं अपने आप से रिलेट कर पाता हूं, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। मतलब कि आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा पढ़ते रहना है। फ्यूचर के लिए जो आपको एक एजुकेशन चाहिए, पढ़ना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी लर्निंग होगी तभी आपकी अर्निंग होगी। तो इसी कोट के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं जो हमारे ग्रेड्स ऑफ सीमेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रेड ऑफ सीमेंट को एक्सप्लेन कर दूं। तो ग्रेड, यहाँ पे जो ग्रेड होता है सीमेंट का, वो होता है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। अब ये 33, 43, 53 क्या है? ये है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 28 डेज। मैं अगर ग्रेड की बात कर रहा हूं, मतलब उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। देखते हैं उसको कैसे और अच्छे से समझा जा सकता है। अब मैं अगर स्ट्रेंथ की बात करूं सीमेंट की 33 ग्रेड का, तो मेरे अगर 3 डे में आपका 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, 7 डेज में आपका 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, वैसे ही 28 डेज में आपका 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 33 ग्रेड जो होता है आपकी, वो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 28 डेज। सिमिलरली अगर मैं 43 ग्रेड की बात करूं, तो आपका 3 डेज में 23 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 7 डेज में 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 28 डेज में 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसी का मतलब ये है कि 33 ग्रेड अगर आप यूज कर रहे हैं, मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है आफ्टर 28 डेज वो 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। 43 यूज कर रहे हैं तो 28 डेज बाद आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी। और 53 ग्रेड का अगर यूज कर रहे होंगे तो आफ्टर 28 डेज आपकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। अब यहां मैं डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूं कि 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड के क्या क्या आपके डिटेल्स हैं। अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करूं तो 33 के लिए हम लोग IS 269 प्रिफर करते हैं, 43 ग्रेड के लिए आपका IS 8112 और 53 ग्रेड के लिए आपका IS 12269। अब बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन की, तो इसमें आपका लोअर रहता है, 43 ग्रेड में भी लोअर रहता है, 53 ग्रेड में हायर रहता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो जैसे ही आप सीमेंट में पानी मिक्स करते हैं वैसे ही आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जो मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए वो होता है आपका 0.36। मतलब आप 0.36 के अमाउंट में अगर सीमेंट में वाटर मिक्स करते हैं तो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस। तो हम लोग देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग जब भी साइट में जाते हैं आप 2-3 चीजें चेक करते हैं आपके सीमेंट बैग में। सबसे पहले आप ओपीसी चेक करते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसके बाद उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग 3 मंथ बाद सीमेंट को यूज नहीं कर सकते, उसमें लम्स आ जाते हैं मॉइस्चर कंटेंट के कारण। एक और चीज चेक करते हैं कि वो कौन से ग्रेड का है। तो आप लोगों ने खुद साइट में देखा होगा कि ज्यादातर जो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं वो ओपीसी 43 ग्रेड का यूज करते हैं। 33 ग्रेड आपका बहुत कम यूज होता है और वो भी कंपैटिबल है आपके M20 के मिक्स से पहले। अगर आप M10, M15 तक के आप सिर्फ कॉन्क्रीटिंग करवा रहे हैं तब आप 33 ग्रेड का सीमेंट यूज कर सकते हैं। अगर 43 ग्रेड के यूजेस की बात करें तो सुटेबल फॉर PCC, ठीक है, उसके बाद RCC वर्क्स अप टू M30। M30 तक में आप जितना भी RCC वर्क कराते हैं अपने बीम का, कॉलम का, फुटिंग का, स्लैब का, वहां पे आप 43 ग्रेड का सीमेंट यूज कर सकते हैं, पर अप टू M30 के डिजाइन तक में। फिर ऑल टाइप्स ऑफ फिनिशिंग वर्क, फिनिशिंग वर्क मतलब जितना भी हमारा प्लास्टरिंग होता है वो, उसमें भी आप 43 ग्रेड का सीमेंट यूज कर सकते हैं। अब 53 ग्रेड का आप बात करें वो कहां यूज होता होगा, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपके M30 के ऊपर
जिनमें हमको M30 से ज्यादा मिक्स का कंक्रीट प्रिपेयर करवाना है, उन स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो 33 ग्रेड आप जनरली जहां यूज करते हैं वो पैरापेट वॉल्स में, कंपाउंड वॉल्स में आप यूज कर सकते हैं 33 ग्रेड को। 43 ग्रेड को आप यूज कर सकते हैं प्लास्टरिंग वर्क में, टाइलिंग वर्क में, फ्लोरिंग में, पाथवेज, फिनिशिंग वर्क ऑफ ब्रिजेस, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, मतलब आरसीसी वर्क में आप 43 ग्रेड का सीमेंट यूज कर सकते हैं, बट अप टू M30 मिक्स, जिसमें आप पूरा फिनिशिंग वर्क के साथ साथ आरसीसी मेंबर्स का भी आप 43 ग्रेड यूज करके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब 53 ग्रेड की बात करें तो सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सच एज कॉलम बीम एंड फुटिंग। यहां पे मैं M30 के बाद के मिक्स की बात कर रहा हूं, M30 से बाद का आपका मिक्स है तब आप वहां पे उसको कॉलम के लिए यूज कर सकते हो 53 ग्रेड का, बीम के लिए यूज कर सकते हो, फुटिंग के लिए यूज कर सकते हो, स्लैब के लिए यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ में हाई राइज बिल्डिंग्स जो भी होती हैं, जितने भी डैम्स प्रिपेयर होते हैं, जितने भी हाई राइज बिल्डिंग प्रिपेयर होती है, वहां पे हम लोग 53 ग्रेड का ही सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, फिर अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये कैसे 43, 33, 53 हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि आपका स्ट्रेंथ कितना होगा। उसके लिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जस्ट हमारे पास जो क्यूब्स रहते हैं, तो ये जो क्यूब है आपका, उसका जो साइज होता है वो 70.6 mm के लिए होता है। इसके लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसके सरफेस एरिया पे करते हैं, मतलब यहाँ पे जो मैं सरफेस एरिया इसका निकालूंगा वो जस्ट नॉर्मली निकालूंगा 70.6 × 70.6, और इसके लिए जो मैं मोटार प्रिपेयर कराऊंगा, मोटार आऊंगा आपका 1:3 का, मतलब आपका एक कंटेंट रहेगा सीमेंट का और तीन कंटेंट रहेंगे आपके मोटार के, उसका मिक्स बना के मैं इन क्यूब्स में फिल कर दूंगा, जिसमें रिफर करूंगा IS 4031 को। अब यहाँ पे जब मैंने मिक्स प्रिपेयर कराया, मिक्स प्रिपेयर होने के बाद आपका जो मिक्स है उसको हम लोग क्यूब्स में फिल कर देंगे। क्यूब्स को अच्छे से वाइब्रेशन में करेंगे, मतलब उसको हम लोग 2 मिनट तक के वाइब्रेटर में रखेंगे। जितने भी वॉइड्स हैं कि मेरे सीमेंट पेस्ट में, मैं उन वॉइड्स को हटाने के लिए उसको वाइब्रेटर में रखूंगा 2 मिनट के लिए। फिर क्यूब्स आपके प्रिपेयर हो गए, उसके बाद हम उनको सेट करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही आपका सेट हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में ले जाने से पहले उस क्यूब में कोई भी क्रैक्स या श्रिंकेज डेवलप ना हो। ठीक है, तो अपन 3 क्यूब जनरली प्रिपेयर करते हैं साइट के लिए, तो 3 क्यूब आपका, 1 क्यूब हो गया आपका 3 डेज के लिए, दूसरा क्यूब हो गया आपका 7 डेज के लिए, और तीसरा क्यूब हो गया आपका 28 डेज के लिए। तो मैं सबसे पहले जो मेरा 3 डेज का क्यूब है उसको मैं ले जाऊंगा और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में इस पे कंप्रेस करवाऊंगा कि ये कितने लोड पे फेल करता है। तो आप देख पाएंगे वहां से कि 3 डेज के लिए अगर 33 ग्रेड का है तो वो 16 Nm/mm² तक का लोड झेल पाएगा। वैसे ही हम लोग 7 डेज के लिए भी निकाल लेंगे और 28 डेज के लिए निकाल लेंगे। तो 28 डेज में निकालने के बाद जो मेरे को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है वही आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी और वही आपका ग्रेड डिसाइड करेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जैसे कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत की थी कि लर्निंग कभी मत छोड़िएगा, तो आगे आप लोगों से रिलेटेड और भी वीडियोस हमारे चैनल में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिससे आप अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो पढ़ना कभी मत छोड़िए दोस्तों, पढ़ते रहिए, इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।